हो गया। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 14 फरवरी मंगलवार को परीक्षा की तैयारी के लिए मास्टर क्लास स्टार्ट किया गया था। और इस मास्टर क्लास की क्या विशेषता थी कि आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, फरवरी लास्ट या मार्च में होगा जो भी संभावनाएं हैं, ठीक है, तो जो भी आपके सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसकी तैयारी के लिए हमने मास्टर क्लास स्टार्ट किया था। तो इस मास्टर क्लास के तहत जो 14 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, हम लोग अभी तक इसमें क्या क्या पढ़ लिए हैं, तो हमने जो है लास्ट क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन पढ़ रहे थे, और इसके पहले हम लोगों ने जो है बहुपद का, दो चर वाले रैखिक समीकरण और हीरोन का सूत्र जो है पढ़ चुके। तो ये तीनों चैप्टर कंप्लीटली पढ़ चुके हैं और तीनों का ही होमवर्क आप लोगों को पलायो के माध्यम से जो है मिल चुका है, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो लिंक के माध्यम से तीनों के होमवर्क भी कर चुके हैं। इसके बाद ये जो है लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, तो इसमें आपको मैंने चार क्वेश्चन कराया था और आगे कहा था कि आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इसी चैप्टर में जो है कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे, तो पहले तो देख लीजिए कि पिछले क्लास में पढ़े क्या थे। तो आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, जो कि फॉर्मूला आपको पता है, 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, आप निकाल लेते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये भी आप निकाल लेते हैं। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या इसी को हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये होता है 4a². आज जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है तो 6a². बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है तो सिर्फ 2πrh, आज जैसे ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है तो 2πr और r प्लस h हो जाता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और घन का आयतन होता है a³। तो ये लास्ट क्लास में आपने इतने फॉर्मूले पढ़े थे, दोबारा से पढ़े थे, और सब पे आधारित हमने क्वेश्चन भी किया था। तो ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से, ये सभी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो चलिए आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है शंकु, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको आज स्टार्ट किया जा रहा है। तो आज आप लोग को मेंसुरेशन में एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो है शंकु, ठीक है। क्या है शंकु? इसे इंग्लिश में कहते हैं कोन। अब आप कहेंगे ये कोन दिखता कैसा है, तो ये भी एक 3D आकृति है, 3 डायमेंशनल आकृति है, ठीक है, त्रिविम आकृति है, ठोस आकृति है। ये दिखता कैसा है तो ध्यान से देखिए, मैं इसकी आकृति बना रहा हूं, ठीक है। ये दिखता कैसे है तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। ये क्या है, ये कोन है, ये क्या है, एक कोन है। तो जैसा कि आप लोग आकृति में देख सकते हैं कि ये कोन जो है ये क्या है, कोन की आकृति है। क्या है ये? कोन की आकृति है। हाँ, कभी कभी बर्थडे गिफ्ट में जो है इसी कोन के आकृति का टोपी जो आप लोग कैप जो है यूज करते हुए देखे होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक्चुअली टोपी नहीं है बल्कि एक कोन है। तो आप इसे इमेजिन कर पा रहे हैं? अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको दिखा देता हूं इमेजिन करा के एक पेज पे। मैं आपको 1 सेकंड का मुझे समय दीजिएगा, 1 सेकंड का। एक सेकंड का समय दीजिए, बस 1 सेकंड। अच्छा एक सेकेंड रुक जाइएगा, मैं आप लोगों को कौन दिखाता हूं। ये देखिए, ये कौन जो है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, बात दिखाई दिया, एकदम कुछ इस प्रकार का कौन जो है आपको दिखाई देता है, ठीक रहा, आपको दिख रहा है।
नीचे एकदम एक सर्किल होता है, एक गोलाकार नीचे सर्किल होता है, ठीक है। देखिए आप लोग नजदीक से देखिए, नीचे क्या होता है, एक सर्किल होता है, ठीक है, और ये ऊपर क्या होता है, एक त्रिभुज के आकार का गोलाकार होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या है, एक त्रिभुजाकार आकृति है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुजाकार, ये क्या है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, वृत्ताकार। नीचे देख रहे हैं ना, पूरी तरीके से वृत्ताकार है, यानी वृत्त के आकार का है, तो इसे लिख सकते हैं हम वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार। अब आपको पता होगा कि त्रिभुज के शीर्ष से, ये क्या है, त्रिभुज का शीर्ष है, और ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि त्रिभुज के शीर्ष से अगर वृत्त के केंद्र पे हम मिलाते हैं तो ये इसका हाइट कहलाता है, क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है बेलन का। तो और ये जो रेड लाइन से है ना, जो रेड लाइन से है, इसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, इंग्लिश में से साइलेंट हाइट कहते हैं, ठीक है, साइलेंट ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, इसे डिनोट करते हैं एल से, इसे डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। तो ये हो गई तिर्यक ऊंचाई, ये ब्लैक कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया ऊंचाई, और ये जो हो गया इससे वृत्त का क्या हो गया, रेडियस यानी कि त्रिज्या हो गया, और त्रिज्या को किससे दिखाते हैं हम लोग, आर से। क्या इतनी बातें आपको समझ में आया कि ये दो आकृति से मिलके बना है, एक त्रिभुजाकार और दूसरा वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार है यानी इसका एक त्रिज्या होगा, आर होगा, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इसे हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है, इससे ये हाइट हो गया, और इसे जो होता है ये तिर्यक ऊंचाई होता है, ये क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। अब मैं बस इस एक छोटे से हिस्से को निकाल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं एक इस वाले भाग को जो है अलग से आकृति बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है, इस वाले भाग को जो है मैं अलग से आकृति बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको मैं अलग से एक आकृति बनाता हूं, देखिए यहां पे, सभी बच्चे देख के बताएंगे कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, बताइए सभी बच्चे, क्या ये एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, एकदम सेम टू सेम इस पार्ट के बराबर है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के कोण के सामने एक प्रमेय पढ़े थे आप लोग, पाइथागोरस, तो इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और हमारी कर्ण की लंबाई कितना दे रखा है, एल दे रखा है, और ये जो बीसी है हमारे लिए, बीसी क्या है, रेडियस है यानी कि आर है, ये क्या है, बीसी जो है यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है, यानी कि क्या है, इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रेडियस है, आर है, और ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ये क्या है हमारे लिए, ऊंचाई है, ये क्या है हमारे लिए, ऊंचाई है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं कि अगर हमें पाइथागोरस आप लोग पढ़े होंगे, तो अगर हमें ऊंचाई पता चल जाए और आर पता चल जाए तो हम एल निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पाइथागोरस में, क्या पढ़ रखा है, कि कर्ण बराबर अंडर रूट, ये क्या है, ऊंचाई है, तो ऊंचाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये क्या है, त्रिज्या स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अंडर रूट में, यानी यहां से आप फॉर्मूला क्या बना सकते हैं कि एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऊंचाई का एच स्क्वायर प्लस त्रिज्या का आर स्क्वायर। ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी शंकु का हमें क्या निकालना होगा, ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसको यहां पे लिख लीजिएगा तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो गया, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सभी बच्चे बताएंगे कि क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई कि ये क्या था, इसमें से एक त्रिभुज निकाल दिए और त्रिभुज निकाल के ये कर्ण हो जाता है 90 डिग्री के सामने वाला, एक आधार हो गया, एक क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और हमने पढ़ा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर,
ठीक है, तो यहीं पे हमने कर्ण बराबर अंडर रूट लगा दिया और हमारा जो आ गया एल का मान आ गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? तो चलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं एक शंकु बनाता हूं और आपको उसका आंसर करना है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं यहां पे एक शंकु बना रहा हूं और आपको उसको आंसर करना है। ध्यान से देखेंगे, मैं यहां पे एक शंकु बना रहा हूं, आपको उसका आंसर करना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस शंकु की ऊंचाई जो दे रखा है, ऊंचाई जो दे रखा है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस जो है ना वो दे रखा है, आर जो दे रखा है, कितना दे रखा है रेडियस, वो भी दे रखा है आपको, 3 मत कीजिए, इसको 4 कर दीजिए। कितना दे रखा है? ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो मुझे बताना है कि इसका एल कितना होगा, ये वाला एल कितना होगा, तिर्यक ऊंचाई कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, तिर्यक ऊंचाई कितना होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ चुका है कि तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, अगर हमें शंकु का हाइट और रेडियस पता होता है तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एच कितना है? 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, आर कितना है? 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो अब देखिए 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9 होता है अंडर रूट 25, और आप सभी लोग जानते हैं कि अंडर रूट 25 का मान कितना होगा? 5। तो एल बराबर कितना आ गया? 5। एल बराबर कितना हो गया? 5। एल बराबर कितना हो गया? 5। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास एक शंकु दे दे और उसकी ऊंचाई दे दे, तो आर दे दे, रेडियस दे दे, तो हम उसका एल निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए अगला पेज पे देखिएगा, एक पेज और देखिएगा ध्यान से, फिर मैं एक शंकु बनाता हूं। यहां पे देखिएगा, ये मैंने एक फिर से शंकु बना दिया। ये रेडियस, ये एच, और ये है एल। ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई है, और ये क्या है? एच है, और ये क्या है? आर है। तो अगर किसी शंकु का आपको एल पता हो, आर पता हो और एच पता हो, तो यहां पे लिख लीजिएगा कि एच बराबर क्या है? शंकु की ऊंचाई है, ठीक है, और यहां पे एल क्या है? तो तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, और R क्या है? तो R लिख लीजिएगा, R क्या है? हमारा त्रिज्या है। R क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें पता है एक शंकु का H पता है, L पता है, R पता है, तो इस शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, TSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है जिसे आपको याद रखना है, TSA जो होता है, इसका TSA होता है, क्या होता है कोई बताएगा? इसका TSA होता है पाई आर एल प्लस आर। इसका TSA क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। अभी आपको ये TSA नहीं समझ में आएगा तो एक मिनट रुक जाइए, TSA को समझाने से पहले मैं आपको LSA बताता हूं। LSA क्या होता है आप लोग जानते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि हम इसमें आधार को नहीं जोड़ेंगे, क्या नहीं करेंगे, इस आधार वाले को LSA में नहीं जोड़ेंगे, केवल इस त्रिभुजाकार भाग को क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे केवल त्रिभुजाकार वाले के, तो यो क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। क्या याद रहेगा आप लोगों को? सभी बच्चे बताएंगे, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, कि जब भी आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा किसी शंकु का, किसका पूछेगा? शंकु का, तो फॉर्मूला क्या होता है आपको? पाई आर एल, पाई आर एल। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं कि यहां पे पाई एल का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर, और आर का मान दिया गया है, यहां पे आर का मान दिया गया है, आर बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, 3 नहीं कीजिए, इसको 7 कीजिए, ठीक है, इसे 7 कीजिए,
तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइएगा कि अगर आर 7 सेंटीमीटर है, एल 4 सेंटीमीटर है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे कि अगर इसका एल 4 सेंटीमीटर है और आर 7 सेंटीमीटर है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, बताइए जल्दी से। तो हम क्या लगा देंगे, पाई आर एल लगा देंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और आर का मान कितना दिया है, 7 दिया है, और एल का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो 7 से 7 कट गया, 22 में 4 से गुणा करेंगे 88, और ये एरिया है तो क्या कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। तो क्या अब आप लोग एक शंकु का आप लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, आधार, जो इसका आधार क्या था, इस वृत्तकार एरिया वाले को हम लोग नहीं ऐड किए हैं, ठीक है। तो इस वृत्तकार एरिया वाले को हम लोग ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ इस त्रिभुजाकार जो था ना, टोपी जैसा त्रिभुजाकार, हमने सिर्फ उसी का एरिया निकाला है, और वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल, एल क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, आर क्या है, इस शंकु की त्रिज्या है, यहां पे ऊंचाई की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपसे कहेगा टीएसए, टीएसए का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, यहां लिख लीजिएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कहेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टीएसए में तब इस वृत्त वाले एरिया को भी जोड़ना पड़ेगा ना। तो हम पाई आर एल तो लेंगे ही लेंगे, पाई आर एल तो लेंगे ही लेंगे। अब आपको इस वृत्त वाले एरिया का भी जोड़ना होगा, और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे। अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तो वो क्या होता है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने इसे भी जोड़ दिया, हमने क्या किया, इसे पाई आर स्क्वायर को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे पाई आर है और यहाँ पे भी पाई आर है, तो हमने पाई आर को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एल, और यहाँ एक आर कॉमन हो गया, तो एक आर बचेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई आर एल प्लस आर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, सभी बच्चे बताएंगे। तो इसी बात पे दिए गए त्रिभुज शंकु का आप लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताइए कि क्या होगा। तो फॉर्मूला रख दीजिएगा पाई आर एल प्लस आर, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, 7, गुने एल कितना है, 4, प्लस आर कितना है, 7। हल कीजिए, 7 से 7 कट गया, इधर बच्चा 22, गुने 7 4 11, 22 में 11 से गुणा कीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 कितना हो जाएगा, 23 24, 242, क्या हो जाएगा, 242 टोटल सरफेस एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिखिए, अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई लिखिए, अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई लिखिए, डाउट है तो डी लिखिए। फॉर्मूला आपको याद रखना है कौन सा, एक टोटल सरफेस एरिया का और एक लेटरल सरफेस एरिया का, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, एक लेटरल सरफेस एरिया का, एक टोटल सरफेस एरिया का, याद रहेगा सभी बच्चों को। तो अब देखिए, आपने कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीख लिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीख लिया, तो अब इसका आयतन निकालना भी सीख लीजिए, आयतन निकालना भी सीख लीजिए। तो देखिए, आयतन निकालने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देंगे सभी बच्चे, जो मैं जी आकृति बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। जो मैंने आकृति बनाया, ये किस चीज का आकृति है, बेलन बहुत अच्छा, सभी बच्चे बताएंगे जी, किस चीज का आकृति है, बेलन का है। किस चीज का आकृति है जी, बेलन का, यस ठीक है, बेलन का आकृति है ना, सर क्लियर है ना सभी बच्चों को। अब देखिए, मैंने ग्रीन कलर से क्या किया, इस बेलन को 3 टुकड़ा कर देता हूं। देखिए, यहां पे एक और एक यहां से मैंने कर दिया, तो अब बताइए इस बेलन में टोटल कितने शंकु आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बेलन में जो है आपको कुल मिला के, जो है कुल मिला के 3 शंकु दिखाई दे रहे होंगे,
ठीक है, कितने शंकु दिखाई दे रहे होंगे? तीन शंकु दिखाई दे रहे होंगे। कैसे? तो देखिए, ये एक शंकु हो जाएगा इधर, और एक शंकु हो जाएगा इधर, और ये एक बीच वाला शंकु हो जाएगा तीसरा नंबर। यानी कि एक बेलन में टोटल तीन शंकु बनते हैं। ये बात आपको समझ में आया कि एक बेलन में जो है कितने शंकु बनते हैं? एक बेलन में जो है तीन शंकु बन रहे हैं, तीन शंकु के बराबर है। ठीक है, अगर इस बेलन को इस तरीके से काट दिया जाए तो बेलन में कितने तीन शंकु बन जाएंगे? तीनों बराबर ही बनेंगे। तो अब मेरा एक सवाल है आपसे, और आपको आंसर करना है कि बेलन का आयतन क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे बेलन का आयतन क्या होता है। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना, तो बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या टू होता है। पाई इसलिए ना कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर हाँ हाई बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच पाई होता आर है। स्क्वायर एच आप लोगों ने पिछले ही क्लास में पढ़ा था, और अभी मैंने रिवीजन भी कराया था। बेलन का आयतन यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको पता है कि बेलन का आयतन जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब इस बेलन के तीन टुकड़े करेंगे तो इसका आयतन भी तीन टुकड़ा होगा, और जैसे ही हम पाई आर स्क्वायर एच को बट्टी में तीन लगा देते हैं तो ये बन जाता है शंकु का आयतन। कितने लोगों को समझ में आया? यानी कि एक बेलन में जब तीन शंकु बन सकते हैं तो बेलन के आयतन को अगर तीन से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक शंकु का आयतन मिल जाएगा। कितने लोगों को बातें समझ में आ गई कि मैं कहना क्या चाहता हूं? कि अगर एक बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो हमने पढ़ रखा है, और मैं कह रहा हूं कि इस एक बेलन को अगर काटा जाए तो इसमें तीन बराबर बराबर आकार के क्या बनेंगे? शंकु बनेंगे। तो अगर मैं एक बेलन के आयतन को तीन से डिवाइड कर दूंगा तो हमें प्रत्येक शंकु का क्या मिल जाएगा? आयतन मिल जाएगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया शंकु का आयतन का? पाई आर स्क्वायर एच बट्टा तीन। तो आपने तीन चीजें पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया? कि शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं यहाँ पे, एक शंकु बना के, ठीक है, एक शंकु बना के यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ, और इस पेज को जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, ये क्या होता है? शंकु का ऊंचाई होता है, और ये क्या होता है? रेडियस होता है। चलिए इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या होता है? एल होता है। एल का मतलब क्या है? तिर्यक ऊंचाई होती है। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये जो होता है आर होता है। आर का मतलब क्या है? कि ये त्रिज्या है, ठीक है। और ये क्या है? ये जो है एच होता है, यानी कि एच का मतलब क्या है? कि ये ऊंचाई है। और यह आकृति किसका है? तो शंकु का आकृति है। किसका आकृति है? तो शंकु का आकृति है, कोण की आकृति है। और अभी अभी आपने क्या क्या पढ़ा है? तो पहला चीज आपने पढ़ा है इसका क्या, एल से, यानी कि सीए से, कर्व सरफेस एरिया। इसी को हम लोग कहते हैं एल से, लेटरल सरफेस एरिया। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये फॉर्मूला आपने अभी अभी पढ़ा था, पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है, होता है। फिर आपने पढ़ा था इसका टोटल सरफेस एरिया। क्या पढ़ा था? टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये आपने क्या पढ़ा था? कि पाई आर एल तो रहेगा ही, साथ में इस वृत्त वाले का भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे, जो क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर हो जाता है। आज जब हम इसमें से पाई आर और पाई आर कॉमन लेते हैं तो पाई आर, और यहां बच जाता है एल प्लस आर। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, क्या बन गया? पाई आर एल प्लस आर जो होता है टोटल सरफेस एरिया होता है। और अभी आपने तीसरा फॉर्मूला सीखा था किसका? आयतन का, कि कोण का आयतन क्या होता है। तो आयतन के लिए मैंने क्या बताया था? कि हम बेलन का आयतन लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच,
और बट्टी में क्या लगा देते हैं, तीन, तो ये क्या बन जाता है, शंकु का आयतन बन जाता है। तो यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी कीजिए, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो डी टाइप कीजिएगा, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। और ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है, किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना, बहुत अच्छा। चलिए मेरा एक सवाल है और उस सवाल को मैं दे रहा हूं, आपको आंसर करना है चैट सेक्शन में। मैं कह रहा हूं कि इस शंकु की जो लंबाई है वो दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको जो ये हाइट दे रखा है ना, वो हाइट दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। आपको बताना है एक नंबर पे इसका जो है, सभी बच्चे बताएंगे कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे, आज जिनका बन जाएगा वो कॉपी दिखाएंगे, कि इस दिए गए आकृति में जो शंकु था, लंबाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो पहला चीज आपको बताना है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। टेन सेकेंड और, इतना समय नहीं लगेगा, 10 सेकेंड और, क्योंकि फॉर्मूला सामने लिखा गया है, टेन सर आर सेकेंड और। कितना है? नहीं सर, आपको दिखना ही नहीं है आर कितना है, इस शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई जो है यानी एल जो है 4 सेंटीमीटर, आर यानी कि त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर। दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई तो दे रहा होगा, यस सर। माइक ऑन करके प्लीज आप मत बोला कीजिए, बार बार माइक ऑन करते हैं। एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया अभी तक, यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, तो हमने रख दिया यहाँ पे 22/7, आर कितना है हमारा 3 है तो यहाँ पे 3 रख दिया, एल कितना है, एल हमारा 4 है तो हमने 4 रख दिया, ऊपर वाले को गुणा कीजिए, तो 22 चौका 88 और 88 में 3 से गुणा कीजिए, 88 में 3 से गुणा कीजिए कितना होता है, 88 में अगर 3 से गुणा करेंगे आप लोग, 88 में कितना से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो ये होगा 264/7, नीचे क्या बचेगा आपका 7, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो दशमलव में आप निकाल सकते हैं, निकालने की इच्छा हो तो निकाल सकते हैं, ठीक है, दशमलव छो इसे निकाल सकते हैं, दशमलव में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 37.71, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इतना भी अगर आंसर लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो ये आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया। अब आपको मैंने कहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फिर रखिए पाई की जगह पे 22/7, आर कितना है, आर हमारा 3 है तो फिर रखिए यहाँ पे 3, एल कितना है हमारा है 4 प्लस आर कितना है हमारा, आर है 3, ठीक है, तो 22/7 को 22/7 रहने दीजिए, गुणे 3 है तो 3 रहने दीजिए, अब 4 3 7 हो गया, तो 7 से 7 कट गया, अब 22 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 तो 66 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बातें समझ में आया, अगर हम इसके आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, तो 22/3 लिख दीजिए, गुना आर कितना है, आर है 3, स्क्वायर करना है तो 3 2 बार 3 लिखिए, गुणे एच कितना है, एच है 7 तो 1 बार 7 लिख दीजिए, यहाँ पे 22/7 होता है ना जी, 22/7, पाई का मान रख दिए, आर स्क्वायर कितना था, आर स्क्वायर है हमारा 3 गुने 3 और एच जो है हमारा 7 है और बट्टे में लगाना है कितना 3, तो बट्टे में लगाना है आपको 3, तो यानी कि बट्टे में यहाँ पे गुणे में 3 कर दीजिए, तो 7 से 7 गया, 3 से 1 3 गया, इसका भी आंसर कितना हो गया, आयतन का आंसर हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब।
आयतन कितना होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा और टोटल सरफेस एरिया भी यहां पे कितना आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो क्या आप सभी लोगों को समझ में आया कैसे करते हैं हम लोग, बताइएगा। अब आप लोग को निकाल लेंगे, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई आप लोग पहले से निकालना सीखे हुए हैं कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, एल बराबर हो जाता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चलिए सभी बच्चे अब जो है आप लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, पोल सेक्शन भी मैं दे रहा हूं। पोल सेक्शन में करने से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है आपको टीएसए बताना है, क्या बताना है, टीएसए बताना है। टीएसए क्या होता है कोण का, तो वो टीएसए आपको पता है कि होता है पाई आर एल प्लस क्या होता है आर, लेकिन यहां पे हमें सिर्फ एच पता है कितना 8 मीटर, हमें आर पता है कितना 6 मीटर। तो पहले हम क्या निकालेंगे कि इसका एल कितना होगा, और एल का फॉर्मूला होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहले यहां से एल निकाल लीजिए, जो भी एल आएगा यहां पे फॉर्मूला में रख दीजिए और ये जो आएगा यहां पे फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो पोल सेक्शन में जाइए और आंसर कीजिए, और क्वेश्चन सभी बच्चे गलत करना शुरू कर दिए बिना समझे बिना कुछ किए। मैंने कहा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, एल का मान चाहिए और हमें ऊंचाई और आर दिया गया था, तो हम वहां से एल निकाल लेंगे। दो बच्चों ने आंसर किया वो भी गलत, जल्दी जल्दी। अरे हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे ना, पहले एल निकालेंगे ना, और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि लिखा गया है एल का मान वहां पे। तो एल निकाल लीजिए फिर फॉर्मूला लगाइए टोटल सरफेस एरिया का। दो मिनट का समय है, आराम से कीजिए। एक बच्चे ने सही आंसर किया, बहुत अच्छा। अब पाई का मान पाई रहने दीजिएगा, 22/7 मत कीजिएगा नहीं तो आंसर नहीं आएगा। पाई का मान यहाँ पे पाई ही रहने दीजिएगा, जब टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा तो पाई को 22/7 मत लिखिएगा, पाई को पाई रहने दीजिएगा तभी आंसर आएगा, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में जो है पाई में आंसर दिया गया है, इसलिए पाई को पाई रहने दीजिएगा। सनूज ने बना लिया, रुकिए देखते हैं सनूज का। सनूज सही है आपका आंसर, एकदम सही है। एक मिनट और कर दिया, तीस सेकेंड।
हंसप्रीत ने भी सही आंसर किया है, बहुत अच्छा हंसप्रीत, सही है, एकदम सही है। ट्वेंटी सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। गिनती थोड़ा गलत हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए देखिएगा, यहां पे हम एल का मान निकालेंगे। हमें क्या दे रखा है? एच दे रखा है और आर दे रखा है। तो पहले हम एल निकालेंगे, और एल बराबर यानी तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मतलब क्या है? 8। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे? 6 का स्क्वायर। और ये आपको पता है कि अंडर रूट में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये किसका वर्ग है? तो ये 10 का वर्ग है। यानी कि यहां से हमें L बराबर कितना मिल गया? 10 मीटर मिल गया। क्या आप सभी बच्चों को ये समझ में आया कि हमने L कैसे निकाला? क्लियर यस सर। है ना? अब देखिए, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है, पाई को पाई रहने दीजिए, आर के जगह पे आर रखिए। आर कितना है? तो 6 है, तो 6 रख दीजिए। एल कितना आया है? 10 आया है। प्लस आर कितना है? 6 है, तो 6 रखिएगा। अब देखिए, पाई है तो पाई रहने दीजिए, 6 है तो 6 रहने दीजिए। अंदर को जोड़ेंगे तो 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। और 16 छह के कितना होता है? 96। और पाई है तो पाई। और ये क्या निकाले हम लोग? क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। नाइनटी दोबारा माइक ऑन करके पहले पूछिए, आप माइक ऑन कीजिए पहले, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब दीजिए। समझाना सर। अरे मैं जो पूछ रहा हूं उसको जवाब तो दीजिए पहले। माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन है आपका? हेलो, माइक ऑन है आपका? जी हाँ बताइएगा, एल के बराबर, एल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल बराबर तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अभी ज्वाइन कीजिए सर मैंने। तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्लास के एंड में पूछना, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा चुका हूं। तो अब आप क्लास के एंड में पूछना, जब क्लास एंड हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ लेना। और किसी बच्चे को डाउट है? और किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए, तो सभी बच्चों क्लियर है? वाई टाइप कीजिए एक बार जल्दी से, एक बार वाई टाइप कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो लेट ज्वाइन किए थे वो लोग क्लास के एंड में पूछेंगे, उनको दोबारा से बता देंगे, ठीक है? चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 को जो है पहले आप लोग पोल सेक्शन में कीजिए, फिर मैं इसे आप लोगों को करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हिंट देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दीजिएगा। जैसे मैंने कहा था ना कि एक समकोण त्रिभुज बनता है इसमें शंकु में, तो हमने इसके समकोण त्रिभुज पहले ही बना दिया, ठीक है? और आपको पता होगा ये 90 डिग्री होगा। तो इसमें कह रहा है कि एक भुजा जो है समकोण त्रिभुज का कितना है? ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है? और एक भुजा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है? और ये भुजा जो है कितना है? 5 सेंटीमीटर है। यानी कि भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज है। तो एबीसी को भुजा 12 सी को घुमाया जाता है। यानी कि अगर मैं इसे क्या करूं, एक शंकु बनाऊं, तो शंकु किस प्रकार का बनेगा? आप जानते ही हैं शंकु किस तरीके से बनेगा। इधर से भी हमें एक लेना पड़ेगा, तब तो ये जी शंकु बनेगा। इधर से भी एक लेने के पड़ेंगे, ठीक है? अब देखिएगा, हम इसे शंकु बना रहे हैं,
ठीक है, अब इसे ऐसे करेंगे, ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, शंकु बन गया, सभी बच्चे बताएंगे ये शंकु बन गया जिसे मैंने डॉट डॉट किया। अगर मैं ऐसे कर दूं तो डॉट डॉट किया हूं वो शंकु बन जाएगा, बताइए। तो यानी इसका एक भुजा जो था ये क्या बन गया, इसका एक भुजा जो है इस शंकु का एल बन गया। यहाँ पे एल कितना हो गया, एल हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। और मैं आपसे ओके कहूं कि यहाँ पे ये 12 क्या हो गया, इस शंकु की ऊंचाई हो गई, और ये 5 क्या हो गया, इस शंकु का रेडियस हो गया, आर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर कीजिए। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस प्रकार ठोस का आयतन, तो आपको इसका शंकु का आयतन बताना है। और आयतन का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, शंकु का आयतन क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ा था कि बेलन के आयतन को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और उसको क्या कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये शंकु का आयतन हो जाता है। तो आपको पता ही है एच दिया है, एल दिया है, आर दिया है, तो निकाल लीजिए आयतन कितना होगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। और पाई का मान पाई ही रहने दीजिएगा, ठीक है, पाई का मान पाई रहने दीजिए, क्योंकि आंसर में पाई की जगह पे पाई दिया है, इसलिए पाई का मान हम लोग 22/7 नहीं रखेंगे, पाई का पाई रहने देंगे। आप में से कोई बच्चा बता सकता है एक चीज और, ठीक है, माइक ऑन करके बताना है कि हमने जो है इसी को 13 सेंटीमीटर क्यों लिया। पहले यहां पे मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है, ए, यहां पे बी और सी, हमने एसी को ही 13 सेंटीमीटर क्यों लिया, इसको 12 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया, एसी को ही 13 सेंटीमीटर क्यों लिया। सर ये सबसे बड़ी भुजा होती है। बहुत अच्छा, सही आंसर, एकदम सही आंसर, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हमने जो है एसी को 13 लिया, एबी को हमने 13 क्यों नहीं लिया, क्योंकि एसी जो होता है कर्ण है 90 डिग्री के सामने, और ये दोनों भुजाओं से क्या होनी चाहिए, बड़ी होना चाहिए। और तीसरी बात कि इसको बताया जा रहा है कि भुजा 12 सेंटीमीटर को पारित घुमाया जाता है, यानी कि इस 12 सेंटीमीटर के चारों तरफ घुमाया जाता है 13 को, तभी तो ये शंकु बनेगा गोलाकार। बात समझ में आ रहा है, एसी को ही तो घुमाएंगे तभी तो इसके बीच में ये क्या हो जाएगा, एबी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा, इसको पकड़ के घुमाएंगे तभी तो एक गोलाकार शंकु बनेगा, अगर त्रिभुज है तो। समझ में आ रहा है, ऐसे आंसर आप लोगों का, ज्यादातर लोगों का सही आया है, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है। बारह ही पाओगे देखिए, लगा है ना मेरे सही है तो। मोहित नाम से जो बच्चे हैं आपका सही है। और 1 मिनट का समय है, और 1 मिनट का समय है। मानना नहीं, बात तीस सेकेंड और। हंसप्रीत आपका भी सही है, और 20 सेकेंड। अच्छा एक अच्छी बात आपको बता रहा हूं कि आप लोग की क्लासेस जो हैं इसी सप्ताह तक चलेंगी, ठीक है, और आगे की कोई सूचना होगी तो आपको बताई जाएगी, लेकिन आप लोगों का अब एग्जाम्स होने वाला है तो आप लोगों की क्लासेस जो है इसी सप्ताह तक चलेगी।
यानी कि अगली जो क्लास होगी इस सप्ताह की आपकी आखिरी क्लास होगी और 9th क्लास की भी आपकी आखिरी क्लास हो सकती है, संभवतः। उम्मीद यही है कि इस सप्ताह में जो अगला क्लास आप लोग का होगा, कब होगा आप सभी को पता है, फ्राइडे को। तो फ्राइडे को जो अगली क्लास आपकी होगी, हो सकता है कि 9th क्लास की आपकी आखिरी क्लास हो, ठीक है। अगर आगे अगर आपको और क्लासेस चलेंगी तो बताई जाएगी, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है कि आपको जो है अगली क्लास अंतिम क्लास हो, ठीक है। चलिए 10 सेकेंड और, सही है सनुज आपका भी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, हो गया 4, 5, या 3 होना था ना, 2, 1, ठीक है। चलिए चलिए, कोई नहीं, इसको हम लोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, हमें शंकु का आयतन बताना था। हमें यहाँ पे एल पता है, एच पता है और आर भी पता है। फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर कितना है हमारा, आर कितना है, आर है 5। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 5 × 5। एच कितना है हमारा, 12 है। एच कितना है, 12 है, तो 12 लिख दिए, ठीक है। एच 12 लिख दिए, बट्टे में जो है क्या रहेगा, 3, ठीक है। तो आप बताइए 3 से 12 कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। आप पाई है 50, 25, आप 25 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 पाई, ठीक है। और ये क्या है, आयतन है, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि 100 पाई लिखिए या पाई 100 लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो होगा उसका आयतन होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर है, अगर आपको कुछ भी पूछना है इस सवाल से तो बताइएगा सभी बच्चे, कि अगर किसी भी बच्चे कुछ पूछना है तो बताइएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि अगली क्लास आपकी 9th क्लास की संभवतः उम्मीद है कि आपकी आखिरी क्लास हो सकती है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग फ्राइडे को। आज के क्लास से अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो संभवतः इस फ्राइडे को आप लोगों की जो होगी अंतिम क्लास होगी 9th क्लास की, ठीक है। हाँ तो ठीक है, अभी इसमें और भी चीजें पढ़ना है। तो आप लोगों ने शंकु का क्या क्या निकालना सीख लिया, आप लोगों को ये चीजें याद रखना। एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी समय है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं अभी समय है। तो देखिए, अपने शंकु का तिर्यक ऊंचाई जानते हैं, त्रिज्या जानते हैं क्या होता है, ऊंचाई भी जानते हैं, ठीक है। और अगर तिर्यक ऊंचाई निकालना रहता है तो फॉर्मूला भी पता है कि एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर। तो आप लोग शंकु के बारे में इतनी सभी बातें जो है जान चुके हैं। तो मेरा एक सवाल है और आपको उसको आंसर करना है। मैं यहाँ पे आपको एक शंकु बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ठीक है, एक बड़ा सा शंकु बना रहा हूं। देखिए ये क्या है, शंकु है और ये त्रिभुज वाला हिस्सा है एबीसी। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी ऊंचाई जो है इस शंकु की वो दे रखी है कितना, 3, और इसका आर जो है वो दे रखा है 4। तो आपको बताना है कि इसका एल कितना होगा। जल्दी से चैट सेक्शन में बताइएगा कि अगर हाइट दे रखा है 3 और आर दे रखा है 4, तो इस शंकु का एल कितना होगा। तो एल का फॉर्मूला भी आपको लिख देता हूं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो सभी बच्चे जल्दी से एल निकाल के बताएंगे, सभी बच्चे जल्दी से एल निकाल के बताएंगे कि इसका एल कितना होगा। अगर हाइट 3 है, रेडियस 4 है, तो एल कितना होगा, चैट सेक्शन में बताएंगे कि अगर हाइट 3 है और आर 4 है तो एल कितना होगा। तो एल का फॉर्मूला लिखा गया है एच स्क्वायर, तो एच कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी कि हमें ये क्या मिल गया, 3 मीटर, 4 मीटर, ये हो गया 5 मीटर।
तो हमें एल पता चल गया 5 मीटर। तो अब सभी बच्चे बताएंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इस शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टीएसए होता है, आप सभी को पता होगा, पाई आर और एल प्लस क्या होता है आर, पाई आर प्लस एल प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो सभी लोग टीएसए इसका बताएंगे, जल्दी से इसका टीएसए बताएंगे कितना होगा। तो टीएसए को हम लोग क्या लिख देते हैं, टीएसए को पाई को लिख देते हैं 22/7, आर कितना है हमारा, आर है 4, तो 4 लिख देते हैं, एल कितना है 5 है तो 5 लिख देते हैं, और आर कितना है 4 है तो 4 लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो 22/7 गुने 4 है तो 4 गुने 5 4 9। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 88 गुने 9/7, और 88 को 7 से गुणा करेंगे, 88 कितना से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, सॉरी 9 से गुणा करेंगे ना, कितना से करेंगे गुणा 9 से, 88 में 9 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 792/7। आज जब इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आपको आ जाएगा लगभग 113.14, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, तो ये किसमें देगा, मीटर स्क्वायर में होगा। तो आपने निकालना सीख लिया टीएसए, अब मैं आपसे कहता हूं इसका एलएसए निकालिए। तो एलएसए क्या होता है, शंकु का पाई आर एल, यानी पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान है 4 तो 4 रख देंगे, एल का मान है कितना 5 है तो 5 रख देंगे, ठीक है। तो 22 का 88 गुने 5/7, और 88 में 5 से गुणा करेंगे, 88 में कितना से गुणा करेंगे 5 से, तो 440/7, और 440 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 400 कितना से डिवाइड करेंगे जी, 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपको लगभग 62.85, ठीक है। तो आपने एलएसए भी निकालना सीख लिया पाई आर एल, टीएसए भी निकालना सीख लिया पाई आर एल प्लस आर। तो इसी साथ एक ये भी बता दीजिए इसका आयतन क्या होता है, और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3। आपको इसे घर पे कर लेना है, अगर आज की क्लास से कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास से अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में ये तीनों चीजें पढ़ा है कि सीएसए कैसे निकालते हैं, टीएसए कैसे निकालते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं, और तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, चारों चीजें निकालना आपने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी और भी 2 नया टॉपिक पढ़ेंगे, और हो सकता है संभवतः आपका इस सप्ताह का वो आखिरी क्लास हो और 9th क्लास का भी, ठीक है। तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को। सर जी सोमवार ने नहीं होगा क्लास ज्वाइन, क्या सोमवार ने नहीं होगा क्लास ज्वाइन? सोमवार से पहले देखिए, आप लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं तो संभवतः ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों का क्लास जो होगा 9th क्लास का वो इस फ्राइडे तक ही होगा, इसके बाद आप लोग घर पे पढ़ाई करेंगे सेल्फ स्टडी। गुड नाइट सर। गुड नाइट, टेक केयर। राम राम जी। गुड नाइट, टेक केयर। अगर डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, डाउट नहीं है तो अब आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सभी बच्चों को, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा आप लोग, कुछ भी अगर पूछना है तो पूछ लीजिएगा। आप में से अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, नहीं पूछना है तो लेफ्ट हो जाइए। क्लासेस आपकी खत्म हो चुकी हैं आज की, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, टेक केयर। चलिए मैं क्लास को एंड करता हूं, टेक केयर। बादल नाम से जो बच्चे हैं कुछ पूछना है क्या? चलिए नहीं पूछना है। वंश आपको सर, हाँ वो एयरफोन के बारे में कह रहे थे सर आप। अच्छा, उसकी जानकारी आपको नहीं मिली? नो सर।
उसके बारे में आपको आपके जो एड्रेस जो आपने भेजा था ना कुमारेश सर के पास, यस सर। उस एड्रेस पे आ जाएगी, डोंट वरी, चिंता नहीं करना है वंश, है ना, आपको एयरफोन जरूर मिलेगी, मिलेगा मिलेगा, परेशान मत होइए, आपका एयरफोन आपके घर है पे ना। पहुंचेगा। जिन लोगों को चयनित किया गया था ना वंश, आप हो, सनुज है, तन्नू है ना, सभी लोगों को मिलेगा, है ना, पारस है। आप लोगों को मतलब एयरफोन मिल रहा है, आप लोगों ने बेहतर किया है ना, मुबारक हो हाँ, सनोज इनकी अटेंडेंस एक वंश। ड्यूरेशन था करण सर, हाँ जिसमें जब इनके इन लोगों पास की 100% अटेंडेंस थी, हाँ, तो ये क्लास जिनकी में हंड्रेड भी बहुत अच्छा परसेंट रिस्पांस देते अटेंडेंस हैं। थी और हाँ जिनको चयन किया गया था उन सबको मिलेगा वंश। आपने जो एड्रेस भेजा है ना, उस एड्रेस पे आपकी ईयरफोन मिल जाएंगे, है ना, ठीक है, और परेशान मत आपको होइए स्कूल सर, के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताया भी जाएगा। ठीक है सर। आज का होमवर्क लास्ट क्वेश्चन का आयतन निकालना था। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को। ठीक है, हाँ करण सर, ये फाइनल हो गया क्या कि फ्राइडे का जो क्लास होगा अंतिम क्लास होगा? हाँ ऐसा कुछ न्यूज़ तो मुझे मिला है, ग्रुप में मैंने पूछा था, हाँ एक्चुअली हाँ मैं बता रहा हूँ मैंने क्या पूछा था। मैंने पूछा था कि नेक्स्ट वीक क्लास होगी, तो दीपक ने रिप्लाई किया है कि नहीं, अच्छा, तो मैंने इतना ही टाइप किया था कि नेक्स्ट वीक क्लास होगी क्या, तो उन्होंने लिखा है नहीं, मतलब कि नहीं होगी, मैंने ठीक है बच्चों ठीक को है बता दिया, ठीक है। इसलिए मैंने हाँ मतलब 100% ठीक श्योरिटी के साथ नहीं बोला, कहीं हो सकता है प्रोग्राम चेंज हो जाए, क्योंकि ऑफिशियल तो हाँ आया हाँ नहीं है, हाँ हाँ लेकिन उन्होंने इसीलिए, बोला। हाँ अच्छा लगा कि हाँ एटलीस्ट आपने थोड़ा सा तो बच्चों के वो कान में तो एटलीस्ट डाल दिया कि हाँ भाई हो सकता है कि आपका हाँ 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 नेक्स्ट हाँ जो नेक्स्ट क्लास हो शायद लास्ट क्लास हो, हाँ मतलब इस सत्र का। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक, थैंक यू।